प्रेमी मतेवाड़ा जंगल दे विच पहुंचे हैं। सो मैं पब्लिक एक्शन कमेटी वालों आप सब दा आप सब नू जीआं आखदा और साडे विच बहुत ही सत्कारयोग श्रीमती मेधा पेंडकर जी पहुंचे ने फाटेकर फाटकर पहुंचे ने मेधा पटकर जी पहुंचे ने। सो मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हिंदी हमें थोड़ी सी कम आती है तो जितनी बोले उसमें थोड़ी सी पंजाबी उसमें थोड़ी पंजाबी का मिश्रण होगा और हमारे से अच्छे जानवर हैं जिनको सारी भाषा समझ आती है। तो ये जो हमारा मतेवाड़ा फॉरेस्ट एरिया है ये सतलुज के बिल्कुल बैंक्स पे है और यहाँ पे ये मतेवाड़ा रिजर्व फॉरेस्ट आज का नहीं है, शायद सदियों से ये जंगल था और है और ये 4000 एकड़ में जंगल फैला हुआ है। इसके अलावा ये सारी बेल्ट ही जंगल हुआ करती थी जब पंजाब में जंगल जो है 22% से ऊपर था, अब वो 4% के करीब है जो गवर्नमेंट के आंकड़े, उसमें ट्री प्लांटेशन भी इंक्लूडेड है जो सड़क के बैंक्स पे होती है, ट्री प्लांटेशन वो भी इंक्लूडेड है, वो एक्चुअली फॉरेस्ट नहीं होता। जो फॉरेस्ट वहाँ होता है जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट हो और जानवर अपनी मर्जी से रह सकते हो, तो वो एरिया बहुत कम हो गया। तो उसको बचाने के लिए ये पिछले साल जब कोरोना आया तो कोरोना में हमने देखा कि जानवर आज़ाद हुए और हम लोग कैद हुए, हमको घर में कैद कर दिया और जानवर पंछी जिनको कभी कोरोना होता ही नहीं वो सड़कों पे उतर आए, तो तब हमने रियलाइज़ किया कि उनके लिए हमें जगह छोड़नी पड़ेगी, तो उनके लिए हमें नेचुरल हैबिटेट क्रिएट करना पड़ेगा और जो है उसको बचाना पड़ेगा। तो ये मतेवाड़ा फॉरेस्ट जो रिजर्व फॉरेस्ट है, तो पिछली 2-3 सरकारें यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल पार्क लाना चाह रही हैं। उस इंडस्ट्रियल पार्क का जो एरिया है वो 950 एकड़ के आसपास है जिसमें 4-5 गांव की ये प्रोटेक्टेड स्टेट फॉरेस्ट है। प्रोटेक्टेड स्टेट फॉरेस्ट है क्योंकि इसमें प्लांटेशन भी वो कर रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अच्छा काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज डन ए कमेंडेबल जॉब। हाईली डेंस नहीं है, मीडियम में कहीं आता है पर एग्जैक्ट मुझे भी पता नहीं, बीच में कहीं है, 0.4 से नीचे। और बेसिकली यहाँ पे जो लाइफ है उसमें हिरन भी है, मोर है, बंदर है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स आते हैं जो सीजनल बर्ड्स हैं वो भी आते हैं, नीलगाय है, सांबर है, तो मतलब इस तरह के हैं। और यहाँ पहले ये जंगल को जैसे खेत खाई जा रहे थे तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करके अच्छा काम किया और यहाँ पे फिर जब इसका मतलब प्लान बनने लगे कि ये जगह खाली पड़ी है तो इसके आसपास के कुछ पंचायत की जगह, तो हमारे बीच में ये कश्मीर सिंह जी आए हुए हैं जो इसी गांव के हैं, तो इनके साथी आए हुए हैं, ये सेखेवाल विलेज से है। तो जो एरिया अक्वायर हुआ है जो लगभग 995 एकड़ के करीब एक्वायर हुआ है वो सेखेवाल माछियां और सिलेमपुर सिलकाना गर्चा फाजलगढ़ी हैदरनगर, तो इन गांवों की जो जमीन थी तो इन किसानों ने जो ये पट्टे पे ली हुई थी तो ये पाकिस्तान से उजड़ कर आए तो इन्हें ये जगह मिली, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़के ये जगह पंचायतों के नाम कराई। ये आपको शायद ब्रीफ किया हुआ है ना? हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद इन्होंने बड़ी जद्दोजहद से ये जमीन बचाई, अब वो जमीन एक्वायर करके वहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क, तो पहले इन्होंने कहा कि ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल पार्क आएगा,
टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल का शुरुआत टेक्सटाइल से होती है, आकाश ने का यही उदाहरण दिया तो नाम बदल दिया होगा, केमिकल हब आता है। तो आप जो जिस रोड से आए हैं तो बहुत शानदार हाईवे है वो, मतलब वो इस तरह रोड ऐसी ही रहनी चाहिए, ये ठीक नहीं होनी चाहिए। अगर जिस दिन ये ठीक हो गई तो ये सारा इलाका और ख़राब हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस सड़क के लिए हम ये डिमांड रखें कि इस सड़क को ऐसा ही और तोड़ दें ताकि इसमें गाड़ियाँ आनी जानी बंद हो जाए, क्योंकि ये जंगल के बीच से गुजर रही है, दोनों तरफ फॉरेस्ट है। एनजीटी ने इसको रोक लगाई है, एक्सपेंड और एनजीटी ने रोक लगाई है, इसीलिए ये इस पे लुक नहीं डल रही। तो एटलीस्ट वो सेविंग ग्रेस पर आपने देखा होगा कितने टिप्पर आ रहे हैं, और रेता आजकल फ्री कर दिया चन्नी साहब ने तो और ज्यादा टिप्पर बढ़ गए, पिछली बार इतने नहीं थे। ये डंपर्स, हाँ जी डंपर्स, हाँ डंपर्स। इसमें एक और चीज भी है, ये क्रशिंग कहाँ हो रहा है? ये अनंतपुर साहब के आसपास हो रहा है, ये भी सब कुछ नहीं, ये क्रशिंग नहीं है, ये कलेक्शन ही है सैंड फ्रॉम, वो सारे इसी बेल्ट में यहाँ से 30-40-50 किलोमीटर सारी बेल्ट है। तो जो सतलुज बेल्ट है ना, यही थोड़ा सा हमारे पंजाब में ग्रीन एरिया बचा है, पर यहाँ से अब पिछले 25-30 साल से पोल्यूशन जो बढ़ती जो सतलुज अभी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। और यहाँ पे अगर इंडस्ट्री टेक्सटाइल की आती है, जिसका हम सख्त विरोध कर रहे हैं, उससे सारे जो पहले तो बुड्ढा दरिया था वो बुड्ढा नाला बन चुका है, आप देखेंगे आज तो वो बिल्कुल काला हो चुका है। तो हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सतलुज भी ऐसा ही काला हो जाएगा। तो वैसे भी सतलुज में पानी थोड़ा कम है, क्योंकि कनाल सिस्टम की वजह से भाखड़ा कनाल है, नंगल वाली कनाल है, तो ऑलरेडी इरिगेशन के लिए पानी जो है, तो इन कनाल्स की वजह से चलो हमारी खेती पैदावार बड़ी है। राजस्थान जो है रेगिस्तान नहीं रहा, तो ये जो पानी यहाँ से जाता है पंजाब से राजस्थान को, उसकी वजह से वहाँ पर खुशहाली आई है, और उसके वजह से यहाँ का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो बिगड़ गया। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे आपने सब ने जो क्लाइमेट कन्वेंशन हुई ग्लासगो में, उसमें देखा कि सरकारों को झाड़ पड़ रही है, विरोध भी हो रहा है ना, और सख्त विरोध भी हुआ है। तो जो डेविड एटनबरो ने स्पीच करी थी वो बिल्कुल स्पष्ट थी कि मेरे 70 साल में जो गर्क हुआ है तो मैं सोच नहीं सकता, जो 10,000 साल में मनुष्य ने नहीं किया वो पिछले 70 साल में हमने कर दिया। तो जो कार्बन फुटप्रिंट है वो 414 अभी मेजर हुआ है, 200 से कम चाहिए। तो और टेम्परेचर 4 डिग्री बढ़ चुका है पिछले 100 साल में, फसल भी जल जाएगी, हाँ फसल जलेगी तो जानवर खत्म होंगे, तो सारा कुछ ही हम सेव करने में लगे हुए हैं। तो उसके लिए चाहे हमारी आवाज़ कम है पर हमारी आवाज़ ज़रूर सुनी जाएगी, क्योंकि सच की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो आज हमें बड़ी खुशी है कि आप आए हैं यहाँ, क्योंकि यू आर द रोल मॉडल फॉर आवर कंट्री फॉर एनी सोशल इश्यूज विद योर बैकग्राउंड ऑफ हैविंग ए डिग्री इन सोशल साइंसेज and also crusading for the tribals and a great job in Narmada. So we expect that we want to have a similar effect here. So abhi hum yahan se chai ka tour ho gaya hamara, ab hum aapko satluj darya par lekar jayenge, to wahan pe jo industrial park aa raha hai, ek choti si announcement karne bas, kisi ne bathroom user mein kar rahe hain। तो एक मिनट के लिए किंगवीर सिंह बोलेंगे, और यहाँ पे मैडम जैसे ना एक डैम बनाने के लिए ना क्या होता है कि एक प्रोटोकॉल क्या होता है कि रिवर का जो नेचुरल फ्लो होता है उसका 25% उसमें होना चाहिए। तो